मुजिब्बर जी, तो आपको लग रहा है कि ये संविधान उन जजेस ने नहीं पढ़ा जिन्होंने सुधांशु जी, तो इस संविधान के हिसाब से मेरा एक सवाल उनसे था, उन जजेस ने ये संविधान नहीं पढ़ा? हम पढ़ाते हैं जजेस को, जजेस को हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ा है, वो भी वकालत पढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा होगा, और उसके अलावा हम पढ़ाते रहते हैं, रोज पढ़ाते हैं वकील उनको। मैं तो ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकता कि हम जजेस को संविधान पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, शब्दावली हो सकती है, हमारी तो नहीं हो सकती। आप अपेंडिक्स में लॉ नहीं मेंशन करते, हमारी आप अपेंडिक्स में लॉ मेंशन नहीं करते, हम अपने सबमिशन इनके शब्दावली क्या है जना जी, नहीं हम जजेस को संविधान पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान जी से जवाब पूछ लीजिए। सुधांशु जी, अब ये बता दीजिए कि आप एक हिंदू को तो नागरिकता देंगे, लेकिन सिर्फ वो मुसलमान है इसलिए उसको नागरिकता नहीं देंगे, वो संविधान के इस कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है वो बता दें, वो इस संविधान की स्पिरिट के साथ कैसे है ये बता दें आदेश को। आप सीए पे बहस करने आए थे, वही बात कर रहे हैं, महान वकील है भैया मुजीबुर रहमान, ये कहां लिखा है हिंदू को नागरिकता देंगे, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कहां लिखा है हिंदू को नागरिकता, ऑल रिलीजियस माइनॉरिटी जिसमें हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी सबको देंगे, जो रिलीजियस पर्सिक्यूशन से इस्लामिक राष्ट्र में, अगर आप ये मानते हैं कि मुस्लिम का पर्सिक्यूशन है, मुस्लिम वर्ल्ड क्यों नहीं है उसके अंदर, अब आप मुझे बोल रहे हैं, अरे भाई अब मुझे बताओ मुस्लिम को क्यों नहीं देंगे, ठीक है एक साथ एक साथ जवाब दीजिएगा, विष्णु जी ने एक सवाल पूछा, विष्णु जी ने कुछ बोला, एक सेकंड एक सेकंड, मैं अपने आप भाई से एक एक कमेंट ले रही हूं सर, कंक्लूडिंग के बाद सुधांशु जी आपसे लेंगे, संविधान की कॉपी दिखाई हमने नहीं दिखाई, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया भैया एक मिनट बोलने तो दीजिए, हां हम भी बहुत प्यार करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये बता दें कि ये संविधान में कट ऑफ डेट क्या थी नागरिकता की, सेक्शन आर्टिकल 5 क्या कहता है, जरा बताएं, लाए हैं तो बताएं ना कट ऑफ डेट क्या है यहाँ से इंडिया में आने की, बताएं, मैं चुप हूँ, मैं एकदम चुप, बताइए, अगर वो मुसलमान है तो क्या नहीं मिलेगी उसको, ये बता दीजिए, कट ऑफ डेट क्या ये बताइए, नहीं आप मुझे बता दीजिए 18 जुलाई 1948, ये बताइए ना आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, तो औरंगजेब नहीं रहा, हमने किताब वो भी हिंदुस्तान का नेता हुआ, चैनल पे बाप भी हिंदुस्तान का नेता हुआ, ठीक है रुक जाइए रुक जाइए, एक साथ आपको एक साथ बता दूं कि उन्होंने चांद पे पैदा हुआ, चलिए जल्दी से एक लाइन से, बस आप एक काम करिए, जिन धार्मिक स्थानों का जिक्र कुरान हदीस में है उसको रख लीजिए, लेकिन जिसका जिक्र वेद पुराण रामायण गीता रामचरितमानस में है उसको अपने आप स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, भाईचारा बढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास होगा, कोर्ट के जरिए, कोर्ट के जरिए अगर हमें लड़के मिलेगा सुधांशु जी आपका एहसान नहीं होगा उससे, भाईचारा सुधांशु जी आपका जवाब, बस एक लाइन में, मुजीबुर रहमान जी ने कहा, देखिए मुजीबुर रहमान जी ने कहा कि हम मुसलमानों को नहीं दे रहे, हमने तो ऐसा नहीं कहा, और अगर आपको लग रहा है तो जिस समय पाकिस्तान बना था आपने कहा था पचल में हिलाल के झंडे तले दामने रहमत की सरजमी बन गई, एक बार कहिए कि दामने रहमत की सरजमी पचल में हिलाल के झंडे तले मुसलमान महफूज नहीं है, मोदी के हिंदुस्तान में महफूज है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, बोलिए बोलिए क्या क्या बोले, इस्लामी किसने कहा महफूज है, मोदी के हिंदुस्तान किसने कहा महफूज है, भी चले यहाँ पे ये बताइए किसने कहा, काय मांग रहे भाई, अरे किसने कहा, आप पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और उससे एक साथ बर्मा के रोहिंग्या जो वहां से पिट के आए हैं उनको तो देंगे, श्रीलंका से पिट के आए हैं उनको तो देंगे, जो और कंट्री में मुस्लिम नहीं रहते हैं क्या, अरे भैया चेचनिया में भी तो मुस्लिम रहते हैं, बर्मा में भी तो मुस्लिम रहते हैं, इस्लामी को दिया कि नहीं दिया, सुधांशु जी की बात पूरी हो रही है, सुधांशु जी बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, मैं एक लाइन कह दूं अंजना जी एक लाइन सुनिए, मैं अपना डाटा नहीं कह रहा हूं, यूपीए सरकार के आखिरी समय में सरकार का ऑफिशियल डाटा है कि 1,42,000 पाकिस्तान के हिंदुओं ने और 62,000 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया है, मुजीबुर रहमान साहब बता दे कितने मुसलमानों ने नागरिकता के लिए अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई किया था 530 को नागरिकता दी है पाकिस्तान के मुसलमानों को इंक्लूडिंग अदनान सामी, आप 2000 का नाम बताइए जिन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करते नहीं हल्ला मचाने लगते, बताइए संख्या कितनी है, 1,42,000 हिंदू, प्रोविजन बनाएंगे तब अप्लाई करेंगे ना, बताया यूपीए, छोटा सा एग्जांपल दूं, बताइए।